नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पे, जहाँ पे हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस प्लस थ्योरी क्लास दोनों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ साथ जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हमारी जो क्लास आज की रहने वाली है वो है हिंदी की। हम इससे पहले अपनी 12 क्लासेस कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने अपने अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है। हमारा जो पर्यायवाची शब्द हैं उनका टॉपिक थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, क्योंकि उन शब्दों को आप हर जगह, इतने शब्द हैं पर्यायवाची कि आप सबको नहीं पढ़ सकते, इसलिए जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो सारे हमने अपने इन वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज की जो है बिल्कुल फाइनल क्लास रहने वाली है। ठीक है, आज हम पर्यायवाची शब्दों को बिल्कुल एंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना विलोम शब्द की क्लासेस को चलाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे या वाले शब्द आ जाते हैं, जो या से, या वर्ण से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारा शब्द है यमुना। यमुना के पर्यायवाची शब्द बताने, यमुना क्या है? एक नदी है। ठीक है, यमुना नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, जिसके बारे में आप बखूबी जानते होंगे। ठीक है, तो यमुना नदी के जो नाम होंगे वो क्या क्या होंगे? कालिंदी होगा, ठीक है, कालिंदी होता है। दूसरा हमारा है तरिणी, तनुजा, सूर्यजा, ठीक है, अज, रवितन्य, जमुना, कृष्णा या रविसुता, इन सबको हम यमुना के नाम से या फिर यमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, यमुना और जमुना, ठीक है, जमुना अलग नदी है और यमुना अलग नदी है। जमुना बिलोंग करती है ब्रह्मपुत्र से, ठीक है, और यमुना बिलोंग करती है गंगा से। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यमुना और जमुना एक नदी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा शब्द आ जाता है युद्ध। युद्ध का तात्पर्य क्या है? ठीक है, युद्ध का, युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा जो भी है, ये सब युद्ध के अंदर ही आते हैं आपके। जैसे कि रण हो गया, रण, जैसे आपने क्या कहा, रणभूमि, यानी कि युद्ध के लिए भूमि, रण के लिए भूमि। ठीक है, रणभूमि उसको बोलते हैं। ठीक है, समर है, ठीक है, संग्राम होता है, जंग होता है, लड़ाई होती है, ये सब किसके पर्यायवाची है? हमारे युद्ध के पर्यायवाची शब्द है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है युवती। युवती कौन होती है? महिलाओं को युवती कहा जाता है। ठीक है, युवती, चलिए उसको बोलेंगे तरुणी, श्यामा, रमणी, ठीक है, प्रमदा, सुंदरी, स्त्री, नारी, औरत, ठीक है, विनीता, कांता, वामा या त्रिया, ये सब किसके हैं? हमारे युवती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा यम। यम का पर्यायवाची होगा कीनाश, ठीक, जीवितेश, ठीक है, श्राद्वेद, द्वेद, देव, दंडधर, सूर्यपुत्र, ये सब हमारे यम के, ठीक है, जो दंड देने वाले हैं। ठीक है, जो दंड देते हैं, यमराज जिनको हम बोलते हैं, यम के पर्यायवाची हमारे ये होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है यमराज, अंतक, धर्मराज या कृतांत, ये सब हमारे किसके हैं? यमराज के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आता है यात्रा। यात्रा यानी कि कहीं पर ट्रैवलिंग करना। ठीक है, आजकल आप लोग वीडियोस भी देखते होंगे ट्रैवलिंग की, कुछ लोग बाइक लेके निकल जाते हैं अपने, आगे गोप्रो या कोई भी ऐसा कैमरा लगा के और ट्रैवल करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, उनका व्लॉग्स बना के डालते हैं, जिनसे आपको भी नई नई जगहों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यात्रा का जो पर्यायवाची होगा वो सफर होगा, ठीक है, गमन होगा, ठीक है, तीर्थटन होगा, उसके बाद प्रयाण होगा, ठीक है, प्रस्थान होगा, ये सब हमारे यात्रा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। यार बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाना यात्रा कहलाता है। ठीक है, वो जगह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप अपने गांव से निकल के शहर पहुंच गए, तो आपने एक यात्रा की, ठीक, और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन क्या है? शहर है। ठीक है, आपको कहाँ जाना था? शहर में जाना था। किस लिए? कुछ भी काम हो सकता है, आपको कुछ लेने जाना था, या फिर आपकी कोई वहाँ प्रॉपर्टी है आपको उसको देखने के लिए जाना था, या फिर आपने कोई अपना घर है वो रेंट पे दे रखा है उसका आपको रेंट ले कलेक्ट करने के लिए जाना था। यात्रा किसी भी पर्पज से की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है यकायक। यकायक का पर्यायवाची क्या होगा? यकायक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, यकायक का होगा अचानक, एकाएक या सहसा। ठीक,
ये होते हैं, यानी कि जो चीज एकदम इमिडिएटली यानी कि अचानक से हो जाती है वो होती है यकायक। ठीक, यज्ञ, यज्ञ के बारे में आप जानते ही होंगे, पूजा के समय पे जो आप एक अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुतियां देते हैं, ठीक है, वो यज्ञ कहलाता है। ठीक है, मंत्रों के उच्चारण के साथ आप यज्ञ में क्या करते हैं, आहुति देते हैं, ठीक है, घी की या फिर सामग्री की, इस तरह के मिष्ठान जो है उन सब की, वो सब यज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, याग बोलते हैं, हव बोलते हैं, हवन बोलते हैं, होम बोलते हैं। ठीक है, ये सब इनके पर्यायवाची शब्द है, अनुष्ठान के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, पर्यायवाची शब्द है यज्ञ के। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है यथेष्ट। यथेष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यथेष्ट अभिशिष्ट होगा, इच्छा अनुसार होगा, इच्छित होगा, या मना मन मना मान होगा, मना मान। ठीक, मन माना यानी कि अपनी मर्जी चलाने वाला। ठीक, यश का मतलब क्या होगा, यश यानी कि आपके अंदर जो एक प्रसिद्धि टाइप में है, ठीक है, या नाम है, आप बहुत यशस्वी है, वो इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। ठीक, चलिए, तो यश का होगा ख्याति, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रशासन, प्रशंसा, सॉरी, बड़ाई या फिर नाम, ये सब क्या है आपके, यश के पर्यायवाची शब्द हैं। याचिका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, अभ्यर्थना पत्र, ये शब्द किसके होते हैं, हमारे याचिका के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, याचिका लगाना। ठीक, चलिए, याम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पहर, पहर, बेला, वेला, जून, ये सब क्या है हमारे, याम के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, युद्ध भूमि, युद्ध के हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसके ही जैसे हम अगर उसके पीछे भूमि के पर्यायवाची शब्द लगा देंगे, युद्ध के रण के पीछे या भूमि के पीछे, जितने भी भूमि के पर्यायवाची उसके युद्ध के पर्यायवाची हैं उनके पीछे अगर हम भूमि के पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो हमारे रणभूमि के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। ठीक है, जैसे युद्ध भूमि है तो रण क्षेत्र बोल देंगे, ठीक है, रणभूमि बोल देंगे, समर भूमि बोल देंगे, संग्राम भूमि बोल देंगे, युग स्थल बोल देंगे, युद्ध स्थल। ठीक है, तो ये हमारे किसके हो जाएंगे, फिर युद्ध भूमि के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। युवक, युवक का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, युवा है, तरुण है, कुमार है, जवान है या नौजवान है, ये सब किसके हैं, हमारे युवक के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है योग। योग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, योग का होगा मेल, मिलना, संयोग, जोड़ या तपस्या, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे योग के अंदर आते हैं। ठीक है, एक योग बोलते हैं हम जो तपस्या करते हैं, योगा करते हैं, वो एक योग होता है किसी चीज को जोड़ना। ठीक है, जब आप गणित के सवाल करते हैं, मैथमेटिक्स में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसमें योग होता है, ठीक है, प्लस जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, प्लस का सिंबल होता है, उसको भी योग ही बोलते हैं। योगफल क्या होता है, दो चीजों को योग करने के बाद जो प्राप्त होता है वो योगफल कहलाता है। ठीक है, योषा जो है, योषा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है, योषिता, नारी, स्त्री, औरत, विनीता, महिला और तिरिया, ये सब किसके हैं, योषा, योषा बेसिकली वुमेन का या फिर स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रासिक पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है रात्रि, यानी कि रात का समय, ठीक है, दिल ढलने के, दिन को ढलने के बाद का जो समय है वो रात्रि का समय होता है, इसको बोलते हैं राका, निशा, रजनी, यामिनी या विभावरी, ये सब हमारे रात के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आता है रमा। रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है, श्री कमला, विष्णुप्रिया, इंदिरा, ठीक है, और लक्ष्मीकांत, ये सब हमारे रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आ जाता है राजमहल। राजमहल कहाँ है, जहाँ पे राजा निवास करता है, राजा के लिए महल है, ठीक है, तो वो होगा राजभवन, राजप्रसाद, ठीक है, और राज मंदिर, इस तरह के पर्यायवाची शब्द राजमहल के लिए उपयोग में होते हैं। फिर आता है हमारा राधा। राधा जी के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, ठीक है, राधा जी के लिए होंगे हरिप्रिया, मतलब जो कृष्ण भगवान का प्रिय है वो कौन है, राधा, राधिका है, ठीक है, ब्रज रानी, ब्रज की जो रानी है वो क्या है, राधिका है। एक शब्द आता है श्री जी, ठीक है, वल्लभा जी, ये सब हमारे श्री राधा रानी जी के क्या है, पर्यायवाची शब्द है, या फिर अन्य नाम उनको बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब हमारे राधा रानी जी के अन्य नाम। ठीक,
नेक्स्ट आ जाता है राम, राम प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, अयोध्या में, जिसकी फरवरी के अंदर स्थापना की गई थी, जिसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राम के क्या नाम होंगे, रघुपति, राघव, रघुनंदन, आपने कई बार ये नाम सुना होगा, रघुवर आपने नाम सुना होगा, सीता के पति, सीतापति, आपने इस तरह के नाम राम जी के कई बार सुने होंगे। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रावण, रावण कौन है, जिसका राम जी ने वध किया था। ठीक है, अभी हाल ही में दशहरा, जैसा कि आप जानते हैं, आने ही वाला है, कुछ ही समय बचा हुआ है। ठीक है, दशहरा में उस दिन क्या करते हैं, रावण का दहन करते हैं, या उसका अर्थ क्या है, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है वो। ठीक है, वो त्योहार है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, तो रावण का पर्यायवाची क्या होगा, लंकेश, क्योंकि वो लंका का क्या था, ईश्वर मानता था अपने आप को, लंकेश था। ठीक है, लंका उसकी क्या थी, राजधानी, जहाँ पे वो रहता था। ठीक है, लंकापति, लंका का स्वामी, दशानन बोलते थे क्योंकि उसके 10 सर थे। ठीक है, कहानियों में जो हमने पढ़ा है, हमने जितने भी अपने कुछ जितना भी आज तक पढ़ा है, उसमें यही सुना है कि दशानन यानी कि रावण के 10 सर थे। ठीक है, ठीक है, दशकंठ, भाई 10 सर है, दशकंठ भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, रश्मि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो रश्मि का होगा कर, अंकुश, मरीची, मुख्य या किरण। ठीक है, ये होंगे हमारे रश्मि के पर्यायवाची शब्द। रंक, रंक किसको बोलते हैं, एक तरह से तो गरीब होता है। ठीक है, राजा, राजा और रंक, आपने ये दो भिन्नार्थक शब्द सुने होंगे। ठीक है, राजा रंक, ठीक, तो रंक बोलते हैं गरीब को। ठीक है, तो गरीब, दरिद्र, कंगाल, निर्धन, धनहीन, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं, रंक के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है रक्त। रक्त के बारे में आप जानते होंगे, जो आपकी बॉडी में, आपके अंदर फ्लो हो रहा है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन का सप्लाई होता है आपके उसमें। ठीक है, जिसको हार्ट प्योरीफाई करता है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा रक्त है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं खून, लहू, रुधिर, ठीक है, शोणित या लोहित, ये सब हमारे क्या है, रक्त के पर्यायवाची शब्द हैं। रक्तपात, रक्तपात का क्या होता है, खून खराबा, रक्तपात मत करो, मार, मार काट, ठीक है, नरसंहार, लड़ाई झगड़ा, ये सब रक्तपात है। ठीक है, किसी का रक्त बहाना बेसिकली एक बात है। ठीक है, जब आप लड़ाई करोगे तो क्या होगा, रक्त बहेगा। ठीक है, रक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रक्षा का पर्यायवाची शब्द होता है संरक्षण, यानी कि किसी की सुरक्षा करना। ठीक है, प्रतिरक्षा करना, हिफाजत करना, बचाव करना, रखवाली करना, ये शब्द हमारे किसके हैं, रक्षा के हैं। ठीक है, रजनी का पर्यायवाची शब्द क्या है, रात्रि है, निशा है, यामिनी है, विभावरी है, ये शब्द किसके हैं, रजनी के पर्यायवाची शब्द हैं। रण का पर्यायवाची शब्द क्या है, लड़ाई है, युद्ध है, संग्राम है, जंग है, संघर्ष है, ये सब हमारे रण के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आ जाता है रणभूमि। रणभूमि का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा है रत्नाकर। रत्नाकर किसको बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं, जिसके अंदर रत्न पाए जाते हैं। ठीक है, रत्न कहाँ मिलते हैं, समुद्र में मिलता है, तो समुद्र, सागर, ठीक है, वारिद, जो जो है, ये सब किसके हैं, हमारे समुद्र के पर्यायवाची है बेसिकली रत्नाकर। ठीक है, राक्षस, राक्षस के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि दुष्ट एक होते थे देवता, जो कि अच्छे यानी कि पुण्य करने वाले थे, और राक्षस जो थे दुष्ट थे, दैत्य जिनको बोला जाता था, असुर बोला जाता था। निशाचर का क्या मतलब होता है, रात में विचरण करने वाले, तो वो कौन थे, जो रात में निकलते थे, उनको राक्षस बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता हमारा ला से पर्यायवाची शब्द। ला से यानी कि लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन थे, जो श्री राम हैं उनके क्या थे, भ्राता श्री थे, जो उनके साथ वनवास पे भी गए थे साथ। ठीक है, तो लखन है, सौमित्र है, शेष जो है, ठीक है, अनंत, ये सब किसके हैं, लक्ष्मण जी के पर्यायवाची शब्द हैं। लज्जा नेक्स्ट आ जाता है हमारा लज्जा। लज्जा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, संकोच करना, लाज आना, हे आना या शर्म आना, ये सब लज्जा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, लक्ष्मी यानी कि धन की देवी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो धन,
संपत्ति, दौलत, कमला या रमा, ये सब किसके हैं? हमारे लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द हैं। लाभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लाभ यानी कि बेनिफिट, यानी कि प्रॉफिट, ठीक, यानी कि इस एक तरह से आपको कुछ चीज प्राप्ति होना, तो प्राप्ति होगा, मुनाफा होगा, फायदा होगा, नफा होगा, ये सब क्या होंगे? आपके लाभ के पर्यायवाची शब्द होंगे। लाल, लाल का मतलब क्या होता है? एक तो लाल रंग होता है, एक लाल पुत्र को भी बोला जाता है, ये तो मेरा लाल है, ये तो मेरा लल्ला है, जैसे यशोदा मैया कृष्ण जी को पुकार देती कि ये लल्ला है हमारा, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप ध्यान में रखेंगे कि एक शब्द के दो अर्थ वाले पर्यायवाची होते हैं, अनेक अर्थ वाले पर्यायवाची होते ही हैं, ठीक है। जैसे पुत्र है, बेटा है, नंदन है, तन्य है, आत्मज है, और लाल एक रंग भी है, ठीक है। लाल क्या है? रंग भी है, ठीक, इस बात को भी ध्यान में रखना है। लालच क्या होता है? लालच के पर्यायवाची से लालच यानी कि लोभ, एक तरह से किसी चीज को पाने की अति इच्छा। एक तो होती है इच्छा, एक होती है अति इच्छा, यानी कि जितना मिल जाए उतना कम, और मिल जाए और मिल जाए, लेकिन वो पास से ना जाए चीज, ठीक है। बहुत चीज के लालच हो सकते हैं लोग, किसी को पैसे का लालच है, किसी को फेम का लालच है कि मेरे पास फेम है तो वो जाए ना कहीं, ठीक है। किसी को प्यार का लालच है कि मुझको प्यार मिलता रहे, मेरे से जाए ना कहीं भी, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लालच का क्या होगा? आपका लोभ होगा, लिप्सा होगा, तृष्णा होगा, प्रलोभन होगा और लालसा होगा, ठीक है। लुच्चा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दुराचारी होगा, बदमाश होगा, कमीना होगा, कुकर्म कुकर्मी होगा, ठीक है। ये सब लुच्चे के पर्यायवाची शब्द हैं। लुटेरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जो लूटने वाला है, बेसिकली लूटने वाले को क्या बोलते हैं? लुटेरा बोलते हैं। जो डाकू होते हैं, डकैत होते हैं, ये सब किसके हैं? लूटने वाले के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। अपहरता है, ठीक है, अपहरण हरण करता है, ये सब किसके हैं? लूटने वाले के पर्यायवाची शब्द है। लुत्फ, लुत्फ यानी कि मजा उठाना, ठीक है, किसी चीज का आनंद लेना, ठीक है, कि लुत्फ उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा आनंद, सुख, मजा, मस्ती, हर्ष या रोचकता, ये सब हमारे इसके पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है लोचन। लोचन के पर्यायवाची शब्द, लोचन यानी कि आंख, नयन, नेत्र और चशु। आंखों को लोचन के नाम से जाना जाता है, आंखों के जितने भी पर्यायवाची हैं, नयन, नयन, चशु, ठीक है, नेत्र, चशु, ये सब किसके हैं? लोचन के पर्यायवाची शब्द है। फिर आता लोग, लालच का हम पढ़ चुके हैं, सेम वही है, ठीक है। लोग के भी लोभी यानी कि लालच करने वाला, यानी कि लालची, ठीक है, इच्छुक, पिपासु, ठीक है, पिपासु का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, ठीक है, उत्सुक, ठीक है, ये सब हमारे किसके हैं? लोभ के पर्यायवाची शब्द है, ठीक। नेक्स्ट आता है वा से पर्यायवाची शब्द। वा से पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? जैसे वस्त्र है, वस्त्र यानी कि जो कपड़े आप पहनने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, वस्त्र, ठीक। पट बोलते हैं इनको, एक बार हमने अभी शायद लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो, किवाड़ यानी कि दरवाजे के भी पट पढ़े थे हमने, ठीक है, पट, ठीक है। परिधान है, अंबर है, वसन है या चीर है, ठीक, ये सब हमारे क्या है? चीर हरण, आपको याद होगा महाभारत की कथा में एक चीर हरण करके हुआ था, जो कि द्रौपदी के साथ हुआ था, ठीक है, उसको चीर हरण करने की कोशिश की गई थी, हुआ नहीं था, लोग बोलते हैं चीर हरण किया गया था, नहीं किया गया था, ठीक है, कोशिश की गई थी पूरी पूरी, लेकिन भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अपनी जो बहन माना हुआ था उनकी रक्षा की, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को भी अपनी बहनों की रक्षा करनी है, ठीक है, और दूसरों की बहनों को भी उसी नजर से देखना है जिस नजर से आप अपनी बहन को देखते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अपनी बहन तो बहन, बाकी बहनों को आप अच्छी नजर से ना देखें, ठीक है, आपसे यही दरख्वास्त है मेरी, आप कुछ बने ना बने अपने जीवन में, लेकिन अच्छे व्यक्ति जरूर बने, ठीक है। किसी को इस तरह से आपकी नजर ना देखे कि उसे अनकंफर्टेबल फील हो, इस तरह से देखे कि वह वो अपनापन फील करे, हाँ कि ये मेरे भाई जैसा है, ठीक है, बाकी तो आप समझदार हैं ही, ठीक है। वाकिफ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वाकिफ यानी कि आपसे मैं रूबरू रहूंगा, आपको जानता हूँ आप कितने पानी में हैं, जैसे आप अपने मित्रों को जानते होंगे, वो कुछ कभी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं कुछ कांड करके, ठीक है, तो आप उनसे बोलते हैं कि मैं आपसे वाकिफ हूँ आप कितने पानी में हैं, तो मुझे मत समझाइए आप, ठीक है।
तो वाकिफ का होगा ज्ञाता, जानकार या अनुभवी। ठीक है, वाणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वाणी यानी कि आपके जो बोल चाल है, आपके जो विचार हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? वाणी के, जैसे वचन है, गीरा है, भारती है, भाषा है, ठीक, बोली है, ये सब किसके अंदर आएंगे? वाणी के अंदर आते हैं सब। ठीक है, विद्वान, विद्वान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कोविद होगा, विज्ञ होगा, सुधी होगा, ये सब हमारे विद्वान, विद्वान यानी कि जिसको बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, जो एकदम से हर कदम अच्छे से उठाता हो। ठीक है, वल्लभ, वल्लभ का पर्यायवाची होगा पति, प्रियतम, प्रिया या प्राणनाथ, ये सब हमारे कौन है? वल्लभ। ठीक है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पेड़, पादप, शाखी, तरु या विटिप, इन दोनों शब्द को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पेड़ के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आ जाता है वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनिल, समीर, पवन, हवा, ये सब हमारे वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है वज्र, वज्र यानी कि ठोस बॉडी। ठीक, जैसे कि महाभारत से ही मैं फिर से रिलेट करूंगा, महाभारत में जब भीम और जो आपका दूसरी पार्टी का कौरवों का जो वो था दुर्योधन, उन दोनों के बीच में युद्ध होना था, तो उन जो दुर्योधन है, जो उनकी माता है, आंख पे पट्टी बांध के रखती थी। ठीक है, तो उन्होंने अपने पुत्र को नग्न अवस्था में बुलाया था कि आप सुबह के 4 बजे स्नान करके बिल्कुल नग्न अवस्था में मेरे सामने उपस्थित होना, और मैं जैसे ही अपने आंखों से पट्टी हटाऊंगी और मेरी जो कुछ पावर्स हैं उनसे आपका शरीर किसका हो जाएगा? वज्र का हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उल्टा किया। उन्होंने क्या किया कि वो तो उनसे, क्योंकि जब वो जा रहे थे तो कृष्ण जी को तो सब पता था, तो वो रास्ते में उनसे टकरा गए और उन्होंने उनको देख लिया, और उन्होंने उनको इतना थोड़ा लज्जित कर दिया, तो वो वहां पे पत्ते लपेट के चले गए। ठीक है, जो थोड़ा सा लज्जा वाला स्थान है, ठीक है, तो इसलिए वो पूरे वज्र के नहीं बन सके थे, इसलिए ही वो हार गए थे अपनी माँ की बात ना मानने से। अगर वो अपनी माँ की बात मानते तो वो बिल्कुल ही विजय हो जाते। ठीक है, तो वज्र का पर्यायवाची होगा असीन, कुलीश और पवी, ये हमारे वज्र के पर्यायवाची। विष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गरल, कालकूट, जहर या हलाहल। ठीक, हलाहल को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और इसको ध्यान में रखेंगे, ये सब आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक, विद्यालय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पाठशाला होगा, शिक्षालय होगा, ज्ञान मंदिर होगा, मदरसा होगा, विद्यापीठ होगा। ठीक है, ये सब हमारे विद्यालय के पर्यायवाची शब्द है। वन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वन होता है कानन, विहीड़, विटिप, विपिन, जंगल। वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वर्खा, बरसात, बौछार, वृष्टि, परवर्षण, वर्षण और बारिश, ये सब हमारे वर्षा के पर्यायवाची। वर्षा का तो आप जानते होंगे ना, बारिश होती है सावन के मौसम में। अब तक तो लेट चला था सावन, तो अब तक चला था। ठीक है, थोड़ा ही समय हुआ है सावन को गए हुए। चलिए नेक्स्ट आ जाता है सा से पर्यायवाची शब्द। सा से होता है शरीर, शरीर का पर्यायवाची। शरीर होगा देह, काया, तन, बदन, कलेवर, गात या विग्रह, ये सब हमारे शरीर के पर्यायवाची शब्द है। शत्रु, शत्रु कौन होता है? दुश्मन। ठीक, दुश्मन, अरी, रिपु, विपक्षी, आमित्र, राती और बैरी, ये सब किसके हैं? शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं। शिकारी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? लुबधक, बेलिया, आखेटक, आहेरी, व्याधा, ये सब आपके शिकारी के पर्यायवाची शब्द हैं। शेर के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? हरी, केसरी, केसी, ठीक है, वनराज, मृगेंद्र और गणराज। ठीक है, ये सब हमारे सिंह, केसरी, ये सब शेर के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, जंगल का राजा भी बोला जाता है। ठीक है, वनराज के नाम से जाना जाता है। शेषनाग, शेषनाग कौन होते हैं? धनी, धरी, धरींधर, फणीश, ठीक है, और सर्पपति यानी कि सर्पों का राजा, वो सब क्या होंगे? शेषनाग के पर्यायवाची हैं। शिव का पर्यायवाची क्या होंगे? त्रिनेत्र, जिनके 3 नेत्र हैं। ठीक है, वामदेव, ठीक, शंकर, पशुपति, महेश,
त्रिलोचन, रुद्र, ठीक है, उमापति, महादेव, नीलकंठ, भूतेश और व्योमकेश, ये सब कौन है हमारे शिव जी के अन्य नाम के रूप में भी आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हमारे शिव के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शिक्षक यानी कि आपको शिक्षा देने वाला, ठीक, वो कोई भी हो सकता है, जैसे गुरु बोलते हैं, अध्यापक है, आचार्य हैं, उपाध्याय है, ठीक है, या आपके माता पिता हैं, ठीक, वो सब क्या है आपको शिक्षा देने वाले हैं, आपकी माता है, आपके पिता हैं। पहली शिक्षा का माँ को बताया जाता है कि माँ सिखाती है सबसे पहले जो भी है, ये समाज भी एक तरह का आपका शिक्षक ही है, ये आपको सर्वाइव करना सिखाता है, ठीक है। अभी अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला है कि आपको थोड़ी बेचैनी सी होती है या फिर कुछ वो है, तो समय के साथ सब आप सीख जाएंगे। अगर आपको बेचैनी भी होगी, आपको लगेगा कि ये जीवन मेरे लिए अच्छा नहीं है, या बहुत लोगों को लगता भी होगा, तो समय इतना बलवान है वो आपको सब कुछ सिखा देगा। तो समय बहुत बड़ा शिक्षक होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी है, कितना भी बड़ा अपने आपको प्रोफेशन मानता है, जो कुछ आपको समय सिखाएगा ना, वो कोई नहीं सिखा सकता आपको, ठीक है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको इतनी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो चीज़ें समय सिखाता है ना, वो कोई नहीं सिखा पाता, ठीक है। बुरा हो चाहे अच्छा हो, अच्छा समय भी कुछ सिखा के जाएगा, और बुरा समय तो आपको इतना कुछ सिखा देगा कि आप अच्छा बुरा, ठीक है, भला बुरा, इन सब में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को डिफाइन कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे से अपना अच्छा बुरा, भला बुरा, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन सही है, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग आपसे बात करेंगे ना, तो आप उनको 1 मिनट में जज कर लेंगे, ये आपसे कुछ चाहते हैं या जेन्युइन आपके लिए है, ठीक है, या इनकी कुछ इच्छाएं हैं आपके प्रति, ठीक है। ये मेरे साथ होता है, और वो बिल्कुल एक टाइम पे जाकर सच निकलता है कि वो इसलिए ही आया था मेरे पास, कोई व्यक्ति आया किसी काम से, और वो थोड़ा क्या है, मीठी मीठी बातें करेगा, आप तो ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से हैं, तो मैं समझ जाता हूँ, पता नहीं क्यों, कि हाँ ये भाई मीठी बातें कर रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे इधर उधर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो पहले ही आप समझने लगेंगे जब आपका टीचर जो है समय बन जाएगा, तो समय को हमेशा के लिए अपना गुरु मान लो, ठीक है। एक गुरु बनाने के लिए बोलते हैं ना कि जीवन में गुरु होना ही चाहिए, तो समय को बना लोगों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं सह से संबंधित शब्द। सह होती है संध्या यानी कि शाम का समय, ठीक है, निशारंभ, ठीक, दिवासान, ठीक, ये सब हमारे ध्यान, दिनांत, ठीक है, सायकाल, गोधूली, ये सब क्या है हमारे संध्या के पर्यायवाची शब्द हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुरलोक, देवलोक, धूलोक, नाक, ये सब क्या है पर्यायवाची शब्द है स्वर्ग के। स्वर स्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है? शब्द ध्वनि, निंदा, रव, मुखर, नाग, घोष, ये सब क्या है स्वर के पर्यायवाची शब्द है। सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुगंध, इष्टगंध, घृणा, ठीक है, सौरभ या फिर सुसुआ, ये सब है सुरभि के पर्यायवाची शब्द। सेना यानी कि जो आर्मी होती है, ठीक है, जिसमें जाने का आपका सपना है, ठीक है, सेना, जिसको दल बोलते हैं, चमू बोलते हैं, कटक बोलते हैं, सब सेना के पर्यायवाची शब्द है। सहेली, सहेली यानी कि आपकी फीमेल फ्रेंड, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सखी, सहचरी, सजनी, अली और सोरंद्री, ठीक, ये सब क्या है आपके सहेली के पर्यायवाची शब्द है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है सूर्य। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पर्यायवाची शब्द अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि दिनकर है, दिवाकर है, भास्कर है, आदित्य है, ठीक है, अर्क है, हरि है, रवि है, भानु है, ठीक है, सहसंस है, प्रभाकर है, ठीक, ये सब किसके हैं? दिनेश है, मार्तंड है, पतंग है, पूषा है, ठीक है, या अहपति है, आफताब है, ये सब क्या है आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द है, ठीक। फिर आता है सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, सांप, व्याघ्र, अही, नाग, विषधर, भुजंग, उर्ग और सरीसा, ये सब क्या है आपके सांप यानी कि सर्प के पर्यायवाची शब्द, ठीक। समुद्र के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? जैसे कि हमने अभी पढ़े थे रत्नाकर वाले, वो सब क्या होंगे? समुद्र के पर्यायवाची शब्द होंगे,
होते हैं, ठीक है, इनको पढ़ चुके हैं, ठीक, रत्नाकर, ठीक है, जलधि, सागर, सिंधु, अभीद या नदीश, ठीक, ये सब क्या है, समुद्र के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट आ जाता है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सरस्वती के क्या होते हैं, वाग, वागेश, वाग देवी, भारती, वाणी, ठीक, शारदा। शारदा के बाद वीणा, पाणी, ठीक, ये सब क्या है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है। सुधा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, सुरभोगी, सोम, पीयूष, अम्य, ठीक, ये है हमारे जीव, नौदिक, अमी, देवेंत्री, ठीक, ये सब हमारे किसके हैं, सुधा के पर्यायवाची शब्द है। इनको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है, मधु है, अमृत है, शशीरम है, ये सब किसके हैं, हमारे सुधा के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। समीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हवा, पवन, वायु, अनिल, वात, मरुत, ठीक, पवमान, ये सब किसके हैं, हमारे हवा के, जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संसार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विश्व, जगत, दुनिया, लोक, जहान, भूमंडल, भाव, ये सब क्या है, संसार का पर्यायवाची शब्द है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ललित, कलित, रुचिर, प्यारा, चारु, आकर्षक, सौंदर्य युक्त, मंजुल, राम्य, ठीक, सुंदरता, खूबसूरत, सुहावना, शुंभ, ठीक, सुभग, सुभग सॉरी, शुंभ नहीं, सुभग, सुरूप, मथुरा, हसीन, मनोहर, दिव्य, ठीक है, ये सब किसके होंगे, हमारे उत्तम, उत्कृष्ट, ये सब हमारे हैं इसके सुंदर के पर्यायवाची शब्द, ठीक, ये सब हमारे सुंदर के। फिर आता है समूह, समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, समूह यानी कि दल, झुंड, ये सब हमारे समूह के पर्यायवाची शब्द। समुदाय हो गया, वृंद हो गया, गण हो गया, संघ हो गया, पुंज हो गया, दल हो गया, झुंड हो गया, मंडली हो गया, टोली हो गया, जस्ता हो गया, ये सब क्या है, हमारे समूह के पर्यायवाची शब्द है। सागर के हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, रत्नाकर या फिर समुद्र के जो है वो सेम हमारे सागर के पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा है से पर्यायवाची शब्द, है वाले, तो है वाले कौन कौन से हैं हमारे, सबसे पहला है हंस, हंस आपने देखा होगा, इसके जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं चक्रांग, मानसोक, कलहंस, मराल, कार्डम, सरस्वती वाहन, ये सब क्या है, हंस के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गज, हस्ती, मतंग, ठीक, गयंद, सिंधूर, दंती, कुंभ, विचुंड, ये सब क्या है, हमारे हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आते हैं हमारे हनुमान जी, हनुमान जी के पर्यायवाची शब्द होंगे अंजनी पुत्र, पवन सुत, वज्रंग, अंजनीय, कपीश, महावीर, मारुति, वज्रंग, पहले भी हम इनको पढ़ चुके हैं, और ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट हिमालय, हिम प्रथा, हिमांचल, हिमांद्र और नाग धीरज, ये सब किसके हैं, हिमालय के पर्यायवाची शब्द हैं। हीरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मणिवर, ब्रजमणि, हरि, कुलिश, ये सब क्या हैं, हीरा के पर्यायवाची शब्द हैं। हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मन, असंत, अत्सन, अत्सन, दिल, कलेजा, उर, हिय या वृक्ष, ये सब क्या है, हमारे हृदय के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आ जाता है हिरण, हिरण का पर्यायवाची शब्द होगा कुरंग, सारंग, मृग, चमरी या कृष्णसार, ठीक। हव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पवन, वायु, समीर, अनिल, वात या मरुत, पवम, पवमान, वायर, ठीक, समीर, ये सब है हमारे हवा के, इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक। हाथ, हाथ का पर्यायवाची शब्द होगा हस्तकर और पाणी। होठ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अक्षर, ओष या होठ, ये सब क्या है हमारे, अहोठ, होठ के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो ये हमारे आज के हो गए लास्ट पर्यायवाची शब्द, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब आपका कार्य केवल इतना है कि हफ्ते में इसको आप 2 से 3 बार या 2 बार तो मिनिमम देख ले, वीडियो को ही देख लें, चाहे आप बार ऐसे पढ़ने का काम ना करें,
2x स्पीड पर लगा के वीडियो को अच्छे से देख लें, ताकि आपको जितने भी शब्द हैं वो सुनने मात्र से ही एक रिवाइज हो जाए, आपको शब्दों की जानकारी सी हो जाए, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर चुकेंगे। ठीक है, आग जो नेक्स्ट क्लास है उससे हम विलोम शब्द जो है अपने उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विलोम शब्द जितने भी महत्वपूर्ण होंगे उनको पढ़ेंगे और उनके बारे में चर्चा भी करेंगे। ठीक है, जो जो उनसे महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, क्योंकि इनसे आपके जो हिंदी का पोर्शन है इसमें इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई से भी एग्जाम की आपकी हिंदी हो, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब आपसे पूछे ही जाए। ठीक है, तो चलिए आप बस रिवीजन करते रहिए और ध्यान रखिए अपना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।